दोस्तों 15,000 रुपये का बजट सेगमेंट एक समय का ऐसा सेगमेंट रह चुका है जहां पर आपको हर तरीके के काफ़ी कमाल के फ़ोन्स मिलते थे, लेकिन आज के समय पर यहां पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है जहां पर हमें अच्छे 5G और अच्छे 4G दोनों ही टाइप के स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। और अगर आप मेरी बात करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर 4G स्मार्टफोन को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4G स्मार्टफोन हमें ऑलराउंडर टाइप के मिलते हैं, वहीं पर 5G में हमें थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट 4G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। और दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद हमने यहाँ पर सिर्फ 4 स्मार्टफोन्स को पिक किया है और ये सभी के सभी आपको यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स को भी ऐड कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर फीचर के हिसाब से सभी स्मार्टफोन्स को रैंक करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमने आप सभी के लिए एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन रखा है। वैसे दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कुछ फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये फोन है मोटो का G52। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन के फीचर्स काफी जबरदस्त हैं, चलिए जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आपको मिलता है प्लास्टिक बिल्ड पर, लेकिन बैक में ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है और फोन का जो लुक है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये इस बजट का सबसे स्लिमेस्ट और सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन है। आपको यहाँ पर स्मार्टफोन का वेट मिलता है 169 ग्राम और फोन की थिकनेस है 8 mm। लगभग हमें 20,000 रुपये की प्राइस पर ये फीचर्स मिलते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके साथ में यहाँ पर ये फ़ोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। ऑडियो आपको यहाँ पर लाउड तो नहीं, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर ले तो यहाँ पर भी ये स्मार्टफोन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 12, जहाँ पर आपको कोई भी प्लॉटवेयर ऐप और ऐड नहीं मिलते हैं। क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है। साथ ही में आपको यहाँ पर मोटोरोला की ThinkShield सिक्योरिटी भी आपको यहां पर मिल जाती है, जो कि दोस्तों एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है भाई। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर से भी फ़ोन में कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो चलिए अब जान लेते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फ़ोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली OLED डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर प्लास्टिक OLED डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, जिस वजह से आपको यहाँ पर काफ़ी कम बैटरी कंजम्पशन भी मिलता है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। साथ ही में आपको यहाँ पर 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। इसके अलावा 90Hz की रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल रही है। दोस्तों इस बजट में आपको किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से इतना अच्छा टच रिस्पांस नहीं मिलता है, सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। चलिए कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। और देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का काफी अच्छा है। मेन कैमरा से आपको आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं, शार्पर मिलते हैं, लेकिन हल्का से येलोइश होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात कर ले तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। और बाकी रही फोन के प्रोसेसर की बात, तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग की शिकायतें आपको काफ़ी कम मिलती हैं और फोन का बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ ही में डे टू डे परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। रही बात अंतुतु स्कोर की, तो लगभग 2,75,000 से 2,80,000 के आसपास के स्कोर मिलते हैं, तो गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर डिसेंट टाइप की कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप यहाँ पर हायर लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं तो आप पिछले वाले स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। और इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको मिलती है UMCP की स्टोरेज, जो कि लगभग आपको यहाँ पर UFS 2.2 की तरह मिल जाती है, तो फोन की पढ़ने और लिखने की जो ताकत है वो भी आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाएगी। सो ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर फोन के पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आराम से देती है। साथ ही में फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। चलिए फोन के कुछ प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लीन UI आपको मिलता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लंबी बैटरी बैकअप, IP52 की रेटिंग, और साथ ही में दोस्तों कैमरास भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।
और भाई डिस्प्ले तो आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिली जाती है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। कॉन्स की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलने वाली है और डिज़ाइन थोड़ा सा स्लिपरी है, तो वो भी आप यहाँ पर ख्याल में रखिएगा। तो अगर आप यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के साथ साथ यहाँ पर एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन भी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे लगभग 14,500 रुपए। वैसे दोस्तों अगर आप बैंक ऑफर्स लगाएं तो ये फोन आपको मिलता है 13,500 रुपए की प्राइस पर, और देखा जाए तो काफी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइस सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन यूजर्स की जो कि इस बजट में अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ जिन्हें कैमरास भी अच्छे चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं Realme का Narzo 50। प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है लेकिन बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। डिजाइन दोस्तों अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है कि आपको पसंद हो सकता है कि ना भी पसंद हो, आप यहाँ पर देख लीजिए। रही बात फोन के बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस Realme के UI 2.0 पर, तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं लेकिन फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ये तो हुए फोन के बेसिक फीचर्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये फोन आता है 600 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। और गेमिंग के लिए आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। ये फोन भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ में मिल जाता है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ यहां पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। फोन का कैमरा सेटअप डिसेंट है लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं, इवन दोस्तों आप यहां पर लो लाइट में भी थोड़ी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। रही बात तो वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक और बैक कैमरा से 120fps तक। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा पीछे मिलता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इस फोन में भी लगा हुआ है MediaTek Helio G96 का चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की हल्की फुल्की दिक्कत आती है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। और डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए इस फोन में आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। और इस गेमिंग को और इन्हेंस करने के लिए UFS 2.1 की स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम की स्पीड को भी बढ़ा देता है। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी। और दोस्तों ये फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल फोन का आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज की, तो फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है और स्मार्टफोन के डेप्थ सेंसर वगैरह कोई भी काम के नहीं है। तो अगर आपको फोन पसंद आया और आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे लगभग 13,000 रुपए, वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको देने पड़ेंगे 15,499 रुपए। वैसे दोस्तों यहां पर आपको 5GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है, तो गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन है, चाहे तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट फोन के बारे में, और इस फोन के अंदर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है और साथ ही आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। ये फोन है यहाँ पर पोको का पोको M4 Pro 4G, यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी मिल जाता है, तो अच्छी बात है। रही बात डिजाइन की, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिजाइन आपको फोन का काफी अच्छा दिया गया है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में फोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में मिलता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर, जहां पर आपको पोको की कस्टम स्किन मिलती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर फोन की जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिलती है वो तो काफी अच्छी मिलती है, लेकिन लेटेस्ट स्मार्टफोन था तो एंड्रॉइड 12 पर लॉन्च किया जाना चाहिए था। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.43 इंचेस की AMOLED पैनल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। फोन को डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात होने वाली है, आपको यहाँ पर आउटडोर वगैरह में कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात दोस्तों गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी दी गई है।
तो डिस्प्ले के हिसाब से देखेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको इस बजट में A प्लस मिल जाता है। कैमरास की बात कर लेते हैं तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दिए गए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि पोको की जो ट्यूनिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर इमेजेस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। रही बात दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 FPS तक। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलो G96 का चिपसेट, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में आता है, साथ ही में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। तो परफॉर्मेंस वाइज फोन में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के औसत स्कोर मिल जाते हैं, जो कि इस बजट के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी और गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज फोन में कोई शिकायत नहीं आती है, और साथ ही में ये फोन आता है UFS 2.2 स्टोरेज के साथ में, ये भी काफी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन यहाँ पर 33 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉडल फोन का अच्छा दिया गया है, और अगर हम यहाँ पर चार्जिंग स्पीड को देखेंगे तो लगभग ये स्मार्टफोन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी रहे फोन के प्रोस की बात, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले, बैटरी मॉड्यूल और साथ में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस, ये तीनों चीजें काफी अच्छी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फोन के कॉन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा आउटपुट डिसेंट टाइप के मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिल जाते हैं, और ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉइड 11 पर लॉन्च किया गया है। जबकि दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए हैं तो आप स्मार्टफोन के साथ में भी जा सकते हैं। 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए ऐसे तो आपको देने पड़ते हैं 14,999 रुपए, लेकिन दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट फोन के बारे में। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि 2 सालों से ये स्मार्टफोन 4G के तौर पर अनबीटेबल रहा है, और ये फोन है Redmi Note 10 Pro। कर लेते हैं इस फोन के बारे में, तो ये फोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलने वाली। और दोस्तों ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी आता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिजाइन की यार, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन A प्लस है, जहाँ पर आपको डिजाइन कितना अच्छा दिया गया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाती है। और ये फोन आता है ट्रिपल गार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों MIUI 13 बग फ्री हो चुका है, आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफी कम मिलते हैं, और एड्स वगैरह की शिकायतें भी उतनी नहीं आती हैं। तो ओवरऑल फोन का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये डिस्प्ले HDR 10 सर्टिफाइड है, और इसके अलावा यहां पर आपको 1200 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है। तो आउटडोर में फोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहां पर 120Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर A प्लस मिल जाती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहां पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का काफी अच्छा मिल जाता है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की काफी अच्छी है, आपको यहां पर इमेजेस काफी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से 30 FPS तक, और फ्रंट कैमरा से आपको यहां पर फुल HD तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30 FPS तक। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट, जो कि काफी स्टेबल प्रोसेसर है। 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं, और फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाती है।
और गेमिंग की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 3 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं। तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में फोन में कोई भी शिकायत नहीं आती है, गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी देती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी और साथ में दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस, ये सभी काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिलते हैं और फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों फोन काफी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्मार्टफोन है नॉर्मली आपको 17,000 से 18,000 रुपए की प्राइस पर मिलता है, लेकिन दोस्तों सेल वगैरह में या फिर अगर आप बैंक ऑफर्स लगाएं तो ये फोन आपको 15,000 से 16,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। और देखा जाए तो इस बजट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन है, जिसको कि आप एक बार जरूर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मुझे पर्सनली यहां पर Redmi Note 10 Pro से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं दिख रहा, तो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।